And good morning dear parents. Today we will cover lesson number 4 from standard 7. Lesson number 4 is integer. This is an introduction video. इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगी कि इस लेसन में जितने भी टॉपिक्स है वो मैं आपको क्लियर करवा सकूं, एक्सप्लेन करवा सकूं, ताकि जब आप एक्सरसाइज करो तो आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, तो लेसन नंबर 4 है इंटेजर. इंटेजर, अब इंटेजर क्या होते हैं? इंटेजर मीन्स क्या होता है? इंटेजर मीन्स होते हैं नंबर्स. जैसे कि मैंने यहाँ पर नंबर लाइन पे प्लॉट किया हुआ है जीरो. अब जीरो क्या है? जीरो भी एक क्या है? इंटेजर है. जीरो क्या है? एक इंटेजर. अब जीरो के आगे कौन से नंबर्स आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, मतलब वो इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं. एज इट इज वो चलते रहते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? नंबर्स. नंबर्स मीन्स होते हैं इंटेजर. इंटेजर देन इसके लेफ्ट हैंड साइड में मैंने राइट की हूँ निगेटिव नंबर्स, मतलब -1, -2, -3, -4, -5. ये भी क्या है? इंटेजर है. मतलब इंटेजर कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के इंटेजर होते हैं. फर्स्ट होता है पॉजिटिव इंटेजर और सेकंड होता है निगेटिव इंटेजर. देन उसके बाद जीरो भी क्या है? एक इंटेजर है. देन अब पॉजिटिव इंटेजर को कहाँ राइट करते हैं और निगेटिव इंटेजर को कहाँ राइट करते हैं, मतलब नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं? नंबर लाइन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर चुकी हूँ मैं. तो सबसे पहले मैंने सेंटर में राइट की जीरो. जीरो क्या है? एक इंटेजर है. और राइट हैंड साइड पे मैंने क्या किया है? पॉजिटिव नंबर्स को प्लॉट किया हुआ है, मतलब वो कौन से इंटेजर्स हो गए? पॉजिटिव इंटेजर. और लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने कौन से नंबर प्लॉट किए हुए हैं? निगेटिव नंबर्स, मतलब वो कौन से इंटेजर्स हो गए? निगेटिव इंटेजर. मतलब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कितने टाइप के इंटेजर होते हैं, टू टाइप के, और जीरो भी क्या है? एक इंटेजर ही है. देन उसके बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन. उसके बाद में हम आते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिटवीन टू इंटेजर. टू इंटेजर के बीच का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है वो हम जानेंगे. देन लास्ट ईयर आपने फिफ्थ स्टैंडर्ड में देखे थे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कितनी प्रॉपर्टीज होती है? फोर प्रॉपर्टीज होती है. उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, उसका फर्स्ट फॉर्मूला होता है प्लस माइनस बिकम्स ए माइनस. क्या होता है? माइनस. देन सेकेंड प्रॉपर्टी होती है माइनस प्लस बिकम ए माइनस. देन थर्ड प्रॉपर्टी उसकी होती है, थर्ड फॉर्मूला हम जिसे कहते हैं, वो क्या होता है? माइनस माइनस. अब देखो यहाँ पर क्या था, एक साइड पॉजिटिव का था और एक साइड निगेटिव का था, तो हमने उसको आंसर में क्या राइट किया? माइनस. देन उसके बाद में सेकंड में क्या था? माइनस था. फर्स्ट में माइनस, देन सेकंड था प्लस, तो हमने उसको क्या राइट किए? माइनस. देन उसके बाद में अब यहाँ दोनों क्या है? साइन निगेटिव है. दोनों साइन निगेटिव है, मतलब उसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या आंसर आ जाएगा उसका? प्लस. मतलब माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस बिकम्स ए प्लस. देन उसकी फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ फॉर्मूला है प्लस प्लस. अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर माइनस माइनस था तो यहाँ पर प्लस हो गया. अब बोलोगे कि यहाँ पर प्लस प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है. यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव. यहाँ पर निगेटिव साइन आएगा क्या? नहीं. यहाँ पर कौन सा साइन आ जाएगा? पॉजिटिव का. अब आप सभी को समझ में आ गया, माइनस प्लस बिकम माइनस, माइनस बिकम प्लस. क्या होते हैं? माइनस में आते हैं. और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस. और प्लस प्लस क्या होता है? प्लस. तो आपको याद रखना है दो प्रॉपर्टीज होती है पॉजिटिव की और दो प्रॉपर्टीज होती है निगेटिव की. देन उसके बाद में हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे. इसके कुछ एग्जाम्पल्स मतलब मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी का एक एग्जाम्पल लेती हूँ. यहाँ पर क्या है? प्लस माइनस है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 6 माइनस 4. अब 6 माइनस 4 तो हम बहुत इजीली बता सकते हैं, क्योंकि 6 क्या है? बड़ा नंबर है और 4 क्या है? छोटा नंबर है ना. तो हम उसको क्या करेंगे? 6 माइनस 4 इज इक्वल टू हाउ मच? 2. क्या मिला मुझे? 2. देन उसके बाद में क्या है? प्लस माइनस. अब इसका हम दूसरे प्रॉपर्टी मतलब दूसरे फॉर्मूले का एक एग्जांपल लेंगे. यहाँ पर क्या है? -2. हम यहाँ पर लेंगे -6 प्लस 4. ठीक है. अब आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पर माइनस और 6 है. आपको मैं एक बार बताना चाहूंगी कि किसी भी नंबर को रीड करते तो उसके आगे जो साइन होता है उसके साथ में उसे रीड किया जाता है. जस्ट यहाँ पर क्या है? -6. अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पर 6, आप उसको 6 नहीं बोल सकते. इसके साथ में क्या है? निगेटिव का साइन है, मतलब ये क्या हो जाएगा? -6. और ये प्लस इन दोनों के बीच में नहीं है, इस नंबर के आगे है, मतलब ये क्या हो जाएगा? +4. तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? -6 प्लस 4 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस
टू, क्योंकि बड़े नंबर के ऊपर कौन सा साइन है, निगेटिव का साइन है। जो नंबर बड़े नंबर के ऊपर निगेटिव का साइन है तो आंसर के ऊपर भी कौन सा साइन आएगा, निगेटिव साइन। अगर यहाँ पर पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव साइन होता, मतलब यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ क्या है पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव होता तो यहाँ पर भी आंसर के ऊपर भी कौन सा साइन आता, पॉजिटिव का। लेकिन यहाँ पर कौन सा सिंबल है, कौन सा साइन है, माइनस का, इसलिए आंसर में भी क्या आया, माइनस ऑफ टू। देन उसके बाद में देखेंगे माइनस माइनस। अब माइनस माइनस मतलब हम दूसरा नंबर लेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल में माइनस ऑफ थ्री माइनस ऑफ फोर। अब क्या होता है, मैंने पहले ही बताई थी कि माइनस माइनस बिकम क्या होता है, माइनस माइनस बिकम क्या होता है, प्लस। मतलब ये दोनों माइनस माइनस मिलके माइनस ऑफ थ्री माइनस ऑफ फोर मिलके क्या हो जाएगा, एक प्लस बन जाएगा। मतलब माइनस थ्री माइनस फोर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ सेवन। मतलब थ्री प्लस फोर कितना हो गया, सेवन, माइनस माइनस। लेकिन अब देखो ये बड़ा नंबर है और माइनस थ्री छोटा है, बड़े नंबर के साथ में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस सेवन। देन उसके बाद में है फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ फॉर्मूला, प्लस प्लस। प्लस प्लस बिकम बहुत ही इजी है, देखो प्लस टू मतलब प्लस को लिखने की जरूरत होती है क्या, नहीं। किसी भी नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं है तो उसका मतलब क्या होता है कि उसके आगे कौन सा साइन है, प्लस का। मतलब ये हो गया ही, तो इसका आंसर भी प्लस में ही आएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा फोर। देन उसके बाद में है इसकी एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज है। अब एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज है मतलब इंटीजर की, तो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है ए प्लस बी, मतलब एनी इंटीजर, आप कोई भी इंटीजर लो, मतलब ए को अगर मैंने ले ली सिक्स और बी को ले ली फोर, मतलब मैंने यहाँ पर लिया है ए प्लस बी, तो सेम उसी का उल्टा, मतलब मैं बी को क्या करूंगी, आगे ले लूंगी और ए को बाद में, तो ये क्या होती है उसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो उसका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ली हूँ, सिक्स प्लस फोर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी प्लस ए, मतलब फोर प्लस सिक्स। तो सिक्स प्लस फोर में मुझे क्या मिला, टेन, और फोर प्लस सिक्स में मुझे क्या मिला, टेन। मतलब ये क्या करता है, यहाँ पर भी टेन मिला, यहाँ पर भी टेन, मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी प्लस ए। तो ये क्या होती है एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसे कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देन उसके बाद में है सेकेंड प्रॉपर्टी एडिशन की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, एनी थ्री इंटीजर, मतलब कोई भी थ्री इंटीजर हम क्या करते हैं, लेते हैं, और उसमें से एक इंटीजर को फ्री रखना है और दो इंटीजर को क्या करना है, हमें ब्रैकेट में लेना है। मतलब मैंने यहाँ पर क्या की हूँ, ए प्लस बी ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। मतलब मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल ली हूँ, टू प्लस इन ब्रैकेट फोर प्लस फाइव। अब मैंने क्या की, यहाँ पर जो इंटीजर को फ्री रखी थी उस इंटीजर को मैंने यहाँ क्या कर दिया, ब्रैकेट में लिया, इन ब्रैकेट में ले लिया, और जो लास्ट वाला इंटीजर है उसको मैंने क्या कर दी, फ्री कर दी। मतलब क्या हो गया, टू प्लस इन ब्रैकेट फोर प्लस फाइव इज इक्वल टू टू इन ब्रैकेट टू प्लस फोर प्लस फाइव, तो मुझे क्या मिला, टू। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, मतलब टू को मैंने एज इट इज रखा, देन उसके बाद में फोर प्लस फाइव क्या हो गया, नाइन, मतलब टू प्लस नाइन इज इक्वल टू हाउ मच, इलेवन। देन उसके बाद में टू प्लस फोर को सबसे पहले सॉल्व करने के बाद में मुझे क्या मिला, सिक्स। देन उसके बाद में फाइव, तो सिक्स प्लस फाइव मुझे कितना मिला, इलेवन। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी मुझे क्या मिला, इलेवन, और राइट हैंड साइड में भी मुझे क्या मिला, इलेवन। मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी सेम आई और राइट हैंड साइड भी सेम आई। तो ये क्या हो गई एडिशन की सेकंड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये थे उसके ए प्लस बी क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला, और ए प्लस इन ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, ये किसका फॉर्मूला था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। देन उसके बाद में इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ताकि आप आगे चलके कंफ्यूज ना हो। तो इसका रिपीटेड एडिशन, रिपीटेड एडिशन मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर्स को ऐड करना। मतलब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ली हूँ, टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू कितना होता है एट, मतलब टू प्लस टू फोर, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स प्लस टू
एट, कितना मिला मुझे टू एट। अब यहाँ पर कितने बार टू को राइट किया मैंने, वन टू थ्री फोर, तो मैं क्या करूंगी टू को यहाँ पर एज इट इज ले लूंगी इंटू फोर, मतलब कितने बार टू राइट किया मैंने फोर, तो ये क्या हो गया फोर इंटू टू एट, तो ये हो गई रिपीटेड एडिशन। देन उसके बाद में इंटीजर साइन, इंटीजर साइंस मतलब साइन मतलब क्या होता है, नंबर्स के ऊपर कौन से साइन दिए हुए हैं वो हमें बताना होता है। अब इसमें सबसे पहले है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी नंबर मतलब किसी भी नंबर्स का एडिशन करते हैं तो बड़े नंबर के ऊपर जो साइन होता है वो क्या होता है आंसर में भी आता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम वही होता है। मैंने यहाँ एक एग्जांपल ली हूँ, माइनस ऑफ सिक्स प्लस टू इज इक्वल टू कितना है माइनस ऑफ फोर। अब यहाँ पर माइनस ऑफ फोर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर क्या है बड़े नंबर के ऊपर में किसका साइन दिया हुआ है माइनस का, इसीलिए आंसर में भी किसका साइन आया माइनस का। तो ये क्या करता है इसके ऊपर डिपेंड रहता है ग्रेटेस्ट नंबर के ऊपर है। देन उसमें सेम हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन और डिविजन की। अब मल्टीप्लीकेशन और डिविजन में क्या है उसका उल्टा, मतलब वहां पर क्या बड़े नंबर के ऊपर डिपेंड करता था कि कौन सा साइन आंसर में आएगा, तो यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। अब हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन में, अब यहाँ पर भी माइनस ऑफ सिक्स इंटू माइनस ऑफ टू है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, मैंने जब भी आपको बताई थी कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और सिक्स इंटू टू कितना होता है ट्वेल्व, मतलब मल्टीप्लीकेशन में डिपेंड नहीं करता कि बड़े नंबर के ऊपर में कौन सा साइन है और छोटे नंबर के ऊपर में कौन सा साइन है, ठीक है। देन उसके बाद में हम करते हैं डिवीजन की बात। डिवीजन में क्या है माइनस ऑफ सिक्स डिवाइडेड बाय टू मैंने यहाँ पर ली, तो उसका आंसर क्या मिला मुझे माइनस ऑफ थ्री। अब ये डिपेंड करता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर माइनस ऑफ थ्री राइट की, क्योंकि यहाँ पर माइनस ऑफ साइन किसके ऊपर था सिक्स के ऊपर। अगर यहाँ पर माइनस ऑफ टू, अगर ये माइनस माइनस हो जाता तो ये क्या हो जाता प्लस, और यहाँ पर कोई साइन आता क्या नहीं, लेकिन यहाँ ओनली एक ही नंबर के ऊपर माइनस का साइन है, इसीलिए आंसर में भी क्या आएगा माइनस का साइन रहेगा। देन उसके बाद में हम बात करेंगे, जैसे हमने पहले देखे थे एडिशन प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी तो सेम हम उसका दूसरा टॉपिक देखेंगे मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, ठीक है।